हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास टेंथ की मैथ, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था रियल नंबर के बारे में। रियल नंबर से रिलेटेड फिर हमने पढ़ा था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, उनका लैमा को, उससे रिलेटेड उन पढ़ा था हाउ टू फाइंड HCF, उससे हम मस और लस कैसे निकालते हैं। फिर कल हमने पढ़ा था फंडामेंटल थियोरम ऑफ अरिथमेटिक, यानी अंकगणित के आधारभूत प्रमेय, जिसपे हमने पढ़ा था कि किसी भी भाज्य संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं, यानी किसी कंपोजिट नंबर को हम उसके प्राइम फैक्टर्स के मल्टीपल्स के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उस पर हमने कुछ क्वेश्चंस भी देखा था। ठीक है बच्चों, अब आगे हम देखते हैं कि उसी पे बेस्ड आगे बढ़ते हुए एक लास्ट टॉपिक जो हमारा क्लास टेंथ का बचा हुआ है, रीविजिटिंग इरेशनल नंबर्स, जो NCERT में हमारे बुक में एक टॉपिक रूप में लिखा हुआ है, रीविजिटिंग इरेशनल नंबर, यानी अपरिमेय संख्याओं का पुनर्विलोकन। जो हमने नौवीं क्लास में हमने अपरिमेय संख्या को पढ़ा था, उसी का एक छोटा सा हम लोग रिविजन करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे किस तरह से कोई अपरिमेय संख्या, वो वास्तविक अपरिमेय संख्या कैसे होती है, हमें उसका सिद्ध करना होता है, प्रूफ करना होता है। तो आइए देखते हैं। उससे पहले हमें क्लास टेंथ में सबसे पहले एक थ्योरम पढ़ना है, प्रमेय है, उस प्रमेय को हम क्या कहते हैं देखते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग आगे। एक थ्योरम है हमारा जिसे हम बोलते हैं प्रमेय। थ्योरम को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रमेय। थ्योरम क्या है? इफ ए इज ए पॉजिटिव इंटीजर and a square is divided by p, is divisible by p, where p is a prime number, then P also divides A। ये क्या है? थ्योरम है। हम देखेंगे कैसे ये थ्योरम काम करता है। इसी को हिंदी में कैसे लिखेंगे? यदि A एक धनात्मक पूर्णांक है और P एक अभाज्य संख्या है तथा P A स्क्वायर को विभाजित करती है तो सिद्ध करें कि P A को भी विभाजित करेगी। तो बच्चों, आ रहा समझ में? ये क्या है हमारा थ्योरम है, मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा है, तो बच्चों कंफ्यूज ना होना। ये थ्योरम के अनुसार कहता है कि यदि कोई ए हमने एक धनात्मक पूर्णांक लिया, यानी कि एक पॉजिटिव इंटीजर लिया है, और यदि ए स्क्वायर को, पी कोई एक प्राइम नंबर है, पी कोई एक अभाज्य संख्या है जो उसे पूर्णतः विभाजित कर देती है, तो बताइए कि क्या वह पी ए को भी सिद्ध कर देगी, ए को भी विभाजित कर देगी? ये हमें सिद्ध करना है। आ रहा बच्चों समझ में? यानी कि पी क्या है? हमारा एक प्राइम नंबर है। यदि पी ए स्क्वायर को विभाजित करती है तो पी ए को भी विभाजित करेगी, ये हमें सिद्ध करना। और इसी थ्योरम का यूज करके हम आगे सिद्ध करेंगे
कि कोई भी संख्या जो अपरिमेय होती है वो रियल में अपरिमेय संख्या है या नहीं। जैसे रूट टू एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए, तो ये सिद्ध करने के लिए हमें इस थ्योरम की जरूरत पड़ेगी। तो बच्चों पहले देखते हैं कैसे, उम्मीद है आपने ये स्टेटमेंट को नोट कर लिया, कथन को। तो ये हमारा कथन है इस थ्योरम का। अब आगे हम देखें कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखो मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं और हिंदी में बोल रहा हूं, बच्चों ध्यान देना। माना ए एक धनात्मक पूर्णांक है, माना कि ए एक धनात्मक पूर्णांक है और पी एक अभाज्य संख्या है। पी एक अभाज्य संख्या है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं बच्चों? ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, हमने माना कि ए एक धनात्मक पूर्णांक है और P एक अभाज्य संख्या है। तो कथन के अनुसार A अगर एक धनात्मक पूर्णांक है तो A को हम इस तरह से लिख सकते हैं P1 into P2 into P3 into P4 into ... PN तक लिख सकते हैं। क्यों सर आपने ऐसा क्यों लिखा? बच्चों कल ही हम लोगों ने पढ़ा था कि अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार किसी भी भाज्य संख्या को हम उसके अभाज्य गुणन खंडों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। आ रहा आपको ध्यान में? कल हमने फंडामेंटल थ्योरी थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में पढ़ा था कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर ऑर्डर। मतलब किसी भी भाज्य संख्या को हम उसके अभाज्य गुणन खंडों को गुणनफल के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। हमने उसी तरह किया, जहां पे यहां लिख देंगे वेयर P1 P2 P3 PN आर प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए। आ रहा बच्चों यहां तक समझ में? हमने क्या किया, ए चूंकि एक धनात्मक पूर्णांक है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो A को हमने P1 इंटू P2 इंटू P3 इंटू P4 ... इंटू PN तक लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम अंकगणित का आधारभूत प्रमेय के अनुसार हमने इसे व्यक्त किया है, कल ही हमने पढ़ा था इसको। ओके, तो अब बच्चों अगर A स्क्वायर होगा, अगर क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि P जो है वो A स्क्वायर को पूर्णतः विभाजित कर देती है, तो यदि A बराबर हम इतना लिख सकते हैं तो A स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, यानी दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो लिखेंगे P1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई P2 का स्क्वायर इंटू P3 का स्क्वायर, ध्यान समझना बच्चों, P4 का स्क्वायर इंटू ... PN का स्क्वायर। आ रहा बच्चों तक समझ में? हमने क्या किया, यदि A को P1 इंटू P2 इंटू P3 इंटू P4 के रूप में लिख सकते हैं, तो इसी तरह A स्क्वायर को हमने क्या किया, P1 स्क्वायर इंटू P2 स्क्वायर इंटू P3 स्क्वायर इंटू P4 स्क्वायर इंटू ... PN स्क्वायर तक लिख दिया। हमने सिर्फ स्क्वायर किया दोनों तरफ। ओके, अब यदि P divides A स्क्वायर, यानी P यदि A स्क्वायर को विभाजित करती है, यानी P जो है यदि A स्क्वायर को विभाजित करेगा, तो then P निश्चित रूप से डिवाइड करेगा, विभाजित करेगा किसे, इनको भी करेगा, P1 स्क्वायर इंटू P2 स्क्वायर इंटू P3 स्क्वायर इंटू P4 स्क्वायर इंटू ... PN का स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं कि यदि P जो है A स्क्वायर को डिवाइड करेगा, तो A स्क्वायर को ही ना इतना बराबर लिखे हैं हम, तो A स्क्वायर को जब डिवाइड कर सकता है तो इसको भी डिवाइड करेगा P। ये तो समझ में आ रहा है कि P इसे भी डिवाइड करेगा, ये और ये दोनों बराबर है। ओके, तो अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम
फंडामेंटल थ्योरम ऑन अरिथमेटिक, मतलब क्या हमने लिखा, अंक गणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार, अंक गणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार हम क्या लिख सकते हैं, P इज ए नंबर, P इज ए नंबर विच लाइज इन पी वन स्क्वायर इंटू पी टू स्क्वायर इंटू पी थ्री स्क्वायर इंटू डॉट 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 पी एन स्क्वायर। आ रहा बच्चों समझ में, हमने क्या लिखा कि P जो है जब इसे डिवाइड करेगा तो इसका मतलब है कि P एक संख्या जो है वो इसी में है, यानी कि P जो है, P इज ए फैक्टर ऑफ, P इज ए फैक्टर ऑफ P1 इंटू P2 इंटू P3 इंटू P4 इंटू डॉट 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 Pn। अब इसका मतलब क्या हुआ सर, देखो बच्चों इसका मतलब ये हुआ, मान लो कोई संख्या है जैसे हमने कहा 16 को 2 डिवाइड देता है, ठीक है, यदि 16 2 से पूर्णतः विभाजित है तो 16 को तोड़ेंगे तो निश्चित ही 2 इसके अंदर आता होगा, 16 को तोड़ो, 2 अटी 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, देखो 16 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 बटे 2। अब क्या अगर 2 इससे विभाजित हो रही है तो 2 क्या इसके अंदर एक संख्या नहीं है, यहां तो सभी 2 ही है, तो इसका मतलब 2 कोई ना कोई एक संख्या तो अंदर होगी ही जिससे 2 कट जाएगा, तभी तो पूर्णतः विभाजित होती है। पूर्णतः विभाजित होने का मतलब क्या हुआ, हम जिस संख्या से भाग दे रहे हो वह संख्या उसमें जरूर होगी, कैसे देखो एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो हमने लिया 80, 80 को लिया हमने, बोला कि 80 को 5 डिवाइड कर रहा है, ठीक है, 80 को 5 क्या करती है, विभाजित करती है, तो हम कह सकते हैं 80 को हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, 80 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 40, फिर 2 इंटू 20, 2 इंटू 10, 2 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 5। अब देखो बच्चों यदि 80 को 5 भाग दे रहा है तो क्या 5 यहां पे अंदर में संख्या नहीं है, है, इसका मतलब हम ये सीखे कि जिस किसी नंबर से यदि कोई संख्या विभाजित होती है तो वह संख्या उस संख्या में ऑलरेडी मौजूद रहती है, तो इसलिए हमने कहा कि यदि P इसे डिवाइड कर रही है तो P मस्ट बी अ फैक्टर ऑफ दिस, यानी P जो है इसके अंदर एक संख्या जरूर होगा जो इसे डिवाइड कर रहा है, तो हम यहां लिख सकते हैं P इज अ मल्टीपल, P क्या है, P1, P2, P3, P4 का एक क्या है, मल्टीपल है, गुणज है, तो P इज ए मल्टीपल ऑफ P1 इंटू P2 इंटू P3 इंटू P4 डॉट 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 Pn। आ रहा समझ में यहां तक, तो P क्या है, इसका मल्टीपल होगा, और ये क्या था, A हमने यहां क्या माना था, A बराबर P1 इंटू P2 इंटू P3 इंटू P4 माना था हमने, तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि P मस्ट डिवाइड, P इज ऑल्सो ए मल्टीपल ऑफ A, क्योंकि हमने इतना की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, A लिख सकते हैं, तो P मस्ट डिवाइड A। आ रहा समझ में, तो हमें यही प्रूफ करना था ना कि यदि A एक भाज्य संख्या है, A एक धनात्मक पूर्णांक है और P एक अभाज्य संख्या है और P जो है A स्क्वायर को पूर्णतः विभाजित करता है तो P जरूर A को भी भाग करेगा, ये हमें सिद्ध करना था। हमने क्या किया, A धनात्मक पूर्णांक माना और उसको P1 into P2 into P3 into P4 के रूप में लिखा, ये ऐसा क्यों लिखा सर आपने, क्योंकि हम लोगों ने कल पढ़ा था फंडामेंटल थ्योरम ऑन अरिथमेटिक, यानी अंक गणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार हमने कल ये
कहा था कि सर यदि कोई भाज्य संख्या है, कोई कंपोजिट नंबर है, तो उसको हम अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। हमने वही लिखा यहां पे, a बराबर p1 into p2 into p3 into p4 dot 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 pn, जहां where, जहां p1 p2 p3 क्या है, प्राइम फैक्टर ऑफ a है, यानी ये क्या है, a का अभाज्य गुणनखंड है। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब चूंकि a बराबर इतना है तो a स्क्वायर क्या होगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए, दोनों तरफ अगर वर्क करेंगे तो a स्क्वायर बराबर इतना आ जाएगा। यहां तक समझ में आ रहा है बच्चों? तो a स्क्वायर बराबर इतना हो गया सर, तो इसका मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ था, थ्योरम में कह रहा था कि p जो है डिवाइड्स a स्क्वायर, यदि p a स्क्वायर को भाग दे रहा है तो p मस्ट डिवाइड्स इसको भी डिवाइड करेगा, क्योंकि यही a स्क्वायर के बराबर है। आ रहा बच्चों समझ में? a स्क्वायर के बराबर ये है तो p इसको भी डिवाइड करेगा। ओके अच्छा, अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, मतलब अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार, यहां लिखना है बच्चों हिंदी में, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार p क्या है, एक नंबर है जो इसी के अंदर लाइक करता है। कैसे, हमने यहां प्रूफ करके दिखाया कि अगर 80 को 5 डिवाइड कर रहा है तो 5 जरूर उसके अंदर कोई संख्या है जो छिपी हुई है। अगर यहां 16 2 से विभाजित है तो 16 के अंदर वो 2 जरूर कोई संख्या है जो है, तो हमने देखा सारे 2 ही हैं, तो ये 2 आसानी से 2 काट सकता है। यहां पर 80 में ये 5 आसानी से 5 को काट सकता है। तो इस तरह से हमने देखा कि जिस संख्या से कोई संख्या अगर विभाजित हो रही है तो वही संख्या उस संख्या में जरूर छिपी हुई है जिसको विभाजित कर रही है। तो इसका मतलब p भी ये संख्या जो है, यदि a स्क्वायर को विभाजित कर रही है तो p जरूर इसके अंदर छिपी हुई है कोई संख्या, तभी तो वो उसको कट करेगा। इसका मतलब हमने लिखा p इज ए मल्टीपल ऑफ p1 into p2 into p3 into p4 dot pn, क्योंकि p इसके अंदर है, हमने अभी चेक किया दो एग्जांपल लेकर के। तो p मस्ट डिवाइड a, a क्यों लिखा, क्योंकि इतना को हमने a ही तो माना था, a बराबर p1 into p2 into p3 into p4 dot dot pn। तो इसका मतलब p जब इसको डिवाइड कर रहा है तो p a को भी डिवाइड करेगा, और इसलिए हम कह सकते हैं जो हमारा थ्योरम था हमने सिद्ध कर दिया, यहां लिखेंगे hence proved। हालांकि ये थ्योरम पेपर में नहीं आता है, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी था, ये क्लास 10th के आपको बोर्ड पेपर में ये क्वेश्चन नहीं आएगा थ्योरम प्रूफ करने के लिए, लेकिन इसका यूज हमें करना है हर जगह। तो अब हम देखेंगे इस पे यूज करके क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो आइए देखते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन कैसे रहता है। प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, √2 इज एन इरेशनल नंबर, ये हमें प्रूफ करना है। सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना है कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, हमें सिद्ध करना है। तो देखो बच्चों, मान लिया कि √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। हमने क्या माना, यदि संभव हो तो हम मान लेते हैं कि √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब यदि परिमेय संख्या है तो हम लिख सकते हैं √2 बराबर a बटा b, ठीक है, या बोलो कि सर नहीं हम p बटा q मानेंगे, तो लो p बटा q मान लो, p बटे q मान सकते हैं हम, क्योंकि हमने पढ़ा परिमेय संख्या p बटे q के रूप में होता है। अच्छा, जहां p और q पूर्णांक हैं, p और q पूर्णांक हैं, और q जीरो के बराबर नहीं है,
यहां तक समझ में आ रहा बच्चों? अच्छा, अब दोनों तरफ अगर वर्क करेंगे, दोनों तरफ अगर हम वर्क कर देंगे, रूट टू का स्क्वायर बराबर पी अपॉन क्यू का स्क्वायर करते हैं बच्चों, तो क्या हो जाता है, दो बराबर पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, टू क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, यानी कि इसको और अगर ऐसे लिखेंगे, टू इधर नीचे आ जाएगा तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय टू। इसका मतलब क्या हुआ, पी स्क्वायर को दो विभाजित करेगी, इसका मतलब यह हुआ, अतः पी स्क्वायर को दो विभाजित करती है। विभाजित करती है करती है अतः पी को भी दो विभाजित करेगी, विभाजित करेगी। कैसे, अभी हमने प्रूफ किया था कि यदि कोई संख्या ए स्क्वायर को पी विभाजित करती है तो ए को भी विभाजित करेगी। अभी जस्ट हमने थ्योरम को प्रूफ किया, उसी का हम लोग यहां यूज कर रहे हैं कि यदि पी स्क्वायर को दो विभाजित करती है तो पी को भी दो विभाजित करेगी। अभी हमने जस्ट प्रूफ किया था इसको, उसी का हमने यहां यूज किया। ओके, यहां तक समझ आया। इसका मतलब क्या हुआ कि पी एक ऐसा संख्या है जिसका दो से विभाजित होती है, यानी पी बटा क्यू जो हमने लिया है रूट टू को, इसका टू क्या है, एक फैक्टर है, तो लिख सकते हैं अतः पी का दो एक भाजक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, आराम से समझ में, यहां तक आगे देखो, यहां तक कोई दिक्कत नहीं बच्चों। अतः पी का दो क्या है, एक भाजक है, यानी पी का टू एक फैक्टर है, यानी पी दो से डिवाइड होगी। अच्छा, अब आगे देखते हैं बच्चों, मान लेते हैं, माना p बराबर 2c, जहां हम लोगों ने प्रूफ किया था, अभी देखेंगे फिर वहां पे, तो उसी के बाद मैं कर रहा हूं कि मान लिया p बराबर 2c। अभी तक हमने क्या देखा कि p कोई संख्या है जिसको दो एक फैक्टर है, जिसका दो एक क्या है, एक फैक्टर है, एक गुणनखंड है। अब मान लेते हैं, माना p बराबर 2c, तो अभी जो हमने वहां प्रूफ किया था, देखो बच्चों यहां पर पी स्क्वायर, यहां पर हम लोग निकाला था टू क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, यहां हमने भी निकाला था टू क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। अब इसी का हम लोग उसमें यूज करेंगे, पी बराबर टू सी, तो पी बराबर टू सी को टू क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर में रखने पर क्या हो जाएगा, हमें 2q स्क्वायर बराबर p की जगह क्या रखेंगे, 2c, p की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, 2c का स्क्वायर, क्योंकि p का स्क्वायर है तो 2c का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2q स्क्वायर बराबर 2c का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, 4c स्क्वायर। आ रहा समझ में यहां पे? ओके, अब देखो 2 से ये कट जाएगा 2 बार में, तो q स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर, यानी कि q स्क्वायर बटे 2 बराबर c स्क्वायर हो गया बच्चों। अब देखो यहां q स्क्वायर को 2 विभाजित कर रही है, यानी कि यहां लिखेंगे, यहां q स्क्वायर को 2 विभाजित कर रही है, विभाजित कर रही है, अतः q को भी
क्यू को भी दो विभाजित करेगी, विभाजित करेगी। कैसे? अभी हमने जस्ट प्रूव किया था थ्योरम को कि यदि यदि ए स्क्वायर को कोई प्राइम नंबर अभाज्य संख्या p डिवाइड करती है तो a को भी डिवाइड करती है। तो ठीक उसी तरह देखो यहां बच्चों, यदि q स्क्वायर को 2 एक अभाज्य संख्या जो विभाजित कर रही है तो q को भी विभाजित करेगी। इसका प्रूफ हमने अभी जस्ट देखा था कुछ देर पहले। तो इसका मतलब यह हुआ, अतः q का एक भाजक है दो, एक भाजक है दो। अच्छा, तो अब हमने देखो दोनों को जब हमने प्रूव कर दिया, हमने पहले क्या देखा यहां बच्चों कि p का दो एक भाजक है, यानी p बटा q को हमने एक परिमेय संख्या माना था। हमने क्या माना था कि रूट टू बराबर p बटे q, जहां p और q पूर्णांक हैं और q नॉट इक्वल टू जीरो, यानी ये क्या है, परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या में हम लोगों ने क्या माना था कि परिमेय संख्या एक ऐसी संख्या होती है जिसका सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कोई दूसरी संख्या से वो कटती नहीं है, उसका कोई और गुणनखंड नहीं होते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब ये हुआ सर यहां पे तो p का एक दो भाजक है, यानी p और q दोनों का क्या है, दो से कट रहा है, यानी p q का दो एक ऐसी संख्या है जिससे दो से पूरी तरह से कटती है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि P और Q एक ऐसी संख्या है, एक ऐसी संख्या है, एक ऐसी संख्या है जो दो से कटती है। इसका मतलब क्या हुआ, हमने जो माना था वह गलत माना था कि रूट टू पी वटा क्यू एक परिमेय संख्या है और वह उसका कोई फैक्टर नहीं है वन के अलावा, यानी क्यू जीरो के बराबर नहीं होगा और पी और क्यू का कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं होगा जिससे वो कटेगा। लेकिन यहां तो दो निकल गया, कैसा फैक्टर, मतलब दो एक ऐसा भाजक है जिससे पी और क्यू दोनों कट रहा है। तो इसलिए हमारा जो हमने एजम्पशन लिया था, जो हमने माना था, हमारा मानना गलत था। तो यहां लिख सकते हैं, अतः अतः हमारा मानना गलत था, गलत था कि रूट टू एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, अतः इसका मतलब यह हुआ, अतः रूट टू एक अपरिमेय संख्या है, यानी जब परिमेय संख्या नहीं हुआ तो क्या हुआ, अपरिमेय संख्या हो गया, अतः रूट टू एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इससे लिखते हैं सिद्ध हुआ। आगे बच्चों समझ में? तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि उस थ्योरम का यूज करके कि यदि ए स्क्वायर को ए कोई धनात्मक पूर्णांक है और ए स्क्वायर का भाजक अगर पी है तो ए को भी पूर्णतः विभाजित करता है पी। इस प्रमेय का यूज करके हमने सिद्ध किया कि रूट टू क्या है, एक अपरिमेय संख्या। ठीक इसी तरह से हम लोग और यूज करेंगे, जैसे देखते दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहां पर देखो बच्चों, क्वेश्चन इसी तरह से रह सकता है, यहां पे 1/√5 इज एन इरेशनल नंबर, प्रूफ कीजिए, इज एन इरेशनल नंबर, प्रूव इट। इसी को हिंदी में से लिखेगा, सिद्ध कीजिए कि रूट टू एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय
संख्या है। ठीक है बच्चों, तो हमें यह सिद्ध करना है, सॉरी मैंने रूट टू यहां लिख दिया, कि वन बटा रूट फाइव एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ठीक उसी तरह चलेंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में चला, माना माना वन बटे रूट फाइव एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है जहां वन बटे रूट फाइव बराबर पी बटे क्यू और पी और क्यू दोनों पूर्णांक हैं जिनका एक के अलावा दूसरा कोई भाजक नहीं है। आ रहा बच्चों यहां तक समझ में? और Q जीरो के बराबर नहीं है। तो हमने क्या माना, मान लिया एक बटे रूट पांच एक परिमेय संख्या है जहां एक बटा रूट पांच को P बटे Q के बराबर दर्शा रहे हैं, जहां P और Q क्या है, दोनों पूर्णांक है जिनका एक के अलावा दूसरा कोई भाजक नहीं है, यानी Q भी जीरो के बराबर नहीं है। ठीक बच्चों, अब देखो, अब दोनों तरफ अगर वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेम उसी तरह करेंगे, वन बटे रूट फाइव का स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर, यानी क्या होगा, एक बटे पांच बराबर पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर। अच्छा, अब क्या होगा, देखो पी स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटे पांच, यहां तक आ रहा है बच्चों समझ में, इसी को हमने आगे बढ़ाया, क्यू स्क्वायर को यहां ले आए तो क्यू स्क्वायर बटा पांच, अतः यहां पे क्या होगा, क्यू स्क्वायर पांच से विभाजित होगी या विभाजित है, तो क्यू पांच से विभाजित होगी। अभी हमने पढ़ा था थ्योरम इसका, क्यू भी क्या होगा, पांच से विभाजित होगा। आ रहा बच्चों समझ में? ओके, यानी क्यू भी यहां पे पांच से विभाजित होगा, अतः क्यू का पांच एक भाजक है, एक भाजक है, कोई दिक्कत, यानी क्यू का क्या है, पांच एक भाजक है। आ रहा बच्चों समझ में? ओके, यानी हमने क्या किया, एक बटे रूट पांच को पी बटे क्यू के रूप में मान लिया था, दोनों तरफ जब वर्ग किया हमने तो क्यू स्क्वायर बटे पांच बराबर पांच, यानी पांच जो है क्यू स्क्वायर को बिल्कुल भाग दे रहा है, तो क्यू स्क्वायर पांच से विभाजित है, तो क्यू पांच से विभाजित होगा, हमने थ्योरम के अनुसार प्रूव कर दिया इसे डायरेक्ट, अतः क्यू का पांच एक क्या है, भाजक है, यानी क्यू जो है पांच से भाग हो जाएगी। अच्छा, जब क्यू के बारे में निकल गया तो हम क्या मानेंगे, देखो ये चीज को ध्यान में रखना है यहां बच्चों, इस इक्वेशन को हम लोग पीछे यूज करेंगे, देखो अब माना q बराबर 5c, हमने मान लिया q, देखो अब ये बोलो सर पिछला बार हमने 2c माना था, इस बार 5c क्यों माना, तो देखो जिसको प्रूफ करना रहता है ना, अगर रूट टू प्रूफ करना रहेगा तो हम 2c लेंगे, अगर रूट थ्री प्रूफ करना रहेगा तो 3c ले लेंगे, अगर रूट फाइव प्रूफ करना रहेगा तो 5c ले लेंगे। ये ऐसा इसलिए लेते हैं सहूलियत के अनुसार, ताकि हम उसका फैक्टर दिखा सके कि पांच उसका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ओके, तो q बराबर 5c मान लिए, अब दोनों तरफ अब जो हमने वहां पे इक्वेशन रखा था q स्क्वायर बटे पांच बराबर p स्क्वायर, अब इसमें हम q का वैल्यू पुट कर देंगे, तो q क्या हो जाएगा बच्चों, 5c का स्क्वायर बटे पांच
बराबर पी स्क्वायर, तो क्या हो गया बच्चों देखो 25, यहां लिख देंगे 25 सी स्क्वायर बटे 5 बराबर पी स्क्वायर, तो 5 पचे 25 यानी क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 5 सी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। तो इससे ये पता चलेगा हमें कि सी स्क्वायर बराबर ये 5 इधर जो मल्टीप्लाई में बच्चों ये इधर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा पी स्क्वायर बटे 5। आ रहा है यहां तक समझ में? अब देखो फिर वही बात आ गई जो हम पीछे हम लोग किए थे कि पी स्क्वायर को 5 विभाजित कर रही है, अतः यहां लिखेंगे पी स्क्वायर को 5 विभाजित कर रही है, विभाजित कर रही है, अतः पी को भी 5 क्या करेगी विभाजित करेगी, 5 को भी विभाजित करेगी, पी को भी 5 क्या करेगा विभाजित करेगी। यहां तक बच्चों कोई दिक्कत नहीं? अतः इसलिए ये अतः ही लिखो, अतः पी का 5 एक भाजक है, भाजक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं बच्चों? अतः पी का 5 क्या है एक भाजक है। तो देखो पीछे हमने क्या देखा था कि क्यू का 5 एक भाजक है, और हमने माना क्या था कि पी बटा क्यू एक ऐसा संख्या है जहां पे एक के अलावा दूसरा कोई भाजक नहीं है। हमने क्या माना था एक के अलावा दूसरा कोई भाजक नहीं होगा, लेकिन हमने यहां देखा Q का भी 5 एक भाजक है और क्या देखा P का भी 5 एक भाजक है। तो अतः हम कह सकते हैं अतः हमारा मानना गलत था, गलत था, क्योंकि P और Q क्योंकि क्योंकि P और Q दोनों ही 5 से विभाजित होती है, विभाजित होती है। आ रहा बच्चों समझ में कि P और Q दोनों ही 5 से विभाजित हो रही है, अतः 1/√5 परिमेय संख्या नहीं है, तो क्या होगा 1/√5 एक अपरिमेय संख्या है, क्या हो जाएगा एक अपरिमेय संख्या है। यहां तक बच्चों कोई दिक्कत नहीं? इससे क्या हो गया हमारा प्रूव्ड हो गया। तो आ रहा बच्चों यहां तक समझ में? हमने देखा कि उसी थ्योरम का यूज करके हमने क्या दिखाया √2 को दिखाया कि √2 एक अपरिमेय संख्या, उसी तरह √3 को भी हम दिखा सकते थे, वहां पे क्या होगा क्यू बराबर हम 3c मान लेंगे। अच्छा फिर दिखाया हमने 1/√5 को दिखाया। अब इसी तरह से बच्चों कुछ क्वेश्चन रहता है, देखो कि रहेगा क्वेश्चन इस तरह से √3 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए, एक अपरिमेय संख्या है। तो देखो बच्चों हम जानते हैं 3 एक परिमेय संख्या है, 3 एक परिमेय संख्या है, और हमने अभी सिद्ध किया √2 क्या है एक अपरिमेय संख्या है,
रूट टू एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अतः हम जानते हैं कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का योग एक अपरिमेय संख्या होता है। अतः 3+√2 भी एक अपरिमेय संख्या है। आ रहा समझ में? तो इस तरह से हम लोग इसको भी प्रूफ कर सकते हैं। यानी कि देखो, अगर बोर्ड में, अगर पेपर में अगर क्वेश्चन ये 2 से 3 नंबर का आता है, 2 नंबर का आता है, तो हम इसी तरह से प्रूफ कर देंगे। अगर ये क्वेश्चन 3 या 4 नंबर में आता है तो हम क्या करेंगे, पहले रूट टू को सिद्ध करेंगे कि रूट टू एक अपरिमेय संख्या है, जैसे अभी हमने किया था, और उसके बाद हम दिखाएंगे कि एक परिमेय संख्या, और चूंकि रूट टू एक अपरिमेय संख्या है और 3 एक परिमेय संख्या है, और उसके बाद ये लिख करके हम सिद्ध करेंगे। लेकिन अगर 2 नंबर का ही क्वेश्चन है तो हम उसमें सिर्फ इस तरह दिखा देंगे कि हम जानते हैं 3 एक परिमेय संख्या है और रूट टू एक अपरिमेय संख्या है, और हम ये भी हमने अपरिमेय संख्याओं के संक्रिया में हमने ये देखा था कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, इसलिए इन दोनों का योग भी क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। तो इस तरह से हम इसका सिद्ध करते हैं। अगर मान लो क्वेश्चन इस तरह से रहेगा 3√5, इसको सिद्ध करना कि एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो इसे भी हम उसी तरह करेंगे, एक अपरिमेय संख्या है, तो क्या करेंगे, इसमें दिखाएंगे कि एक ये क्या है हमारा परिमेय, ये परिमेय संख्या है, और ये क्या है हमारा अपरिमेय। तो इसमें भी उसी तरह लिखेंगे कि हम जानते हैं 3 क्या एक परिमेय संख्या है और √5 क्या एक अपरिमेय संख्या है, और हम जानते हैं कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है, अतः 3√5 भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से हम लोग इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और नहीं तो फिर √5 को, अगर बड़े नंबर क्वेश्चन है जैसे 3 या 4 नंबर क्वेश्चन में आए हैं, तो हम √5 को हम पहले सिद्ध करेंगे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, और फिर उसके बाद इन दोनों को हम लिख करके दिखाएंगे कि चूंकि एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या है, और इन दोनों का गुणनफल हमेशा एक अपरिमेय संख्या होता है, अतः 3√5 भी एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों इस तरह क्वेश्चन को हम इसी तरह सॉल्व करते हैं, और ये हमारा आज क्लास 10th के पहला चैप्टर का रियल नंबर का ये लास्ट क्लास था। उम्मीद है बच्चों कि आपको ये पहला चैप्टर रियल नंबर समझ में आया होगा। अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट रह जाती है इस चैप्टर में, अगर इस तरह के क्वेश्चन, और भी बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह से प्लस में रह सकता है, माइनस में रह सकता है, जैसे 3-√2 रहेगा प्लस की जगह पे 3/√2 रहेगा, तो बात वही है बच्चों, जैसे हमने 1/√5 को हमने देखा, उसी तरह 3/√2 रह सकता है। तो क्वेश्चन कैसे भी रहे तरीका एक ही है, तो इस तरह से आप लोग इसको प्रैक्टिस कर देखिएगा। फिर बीच में जब हम लोग रिवीजन क्लास करेंगे 10th क्लास का ये चैप्टर्स का, तो उसमें और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को, एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन होंगे, अतिरिक्त प्रश्न जो होंगे, उनको भी हम लेंगे और उन सबको करके दिखाएंगे सॉल्व। तो उम्मीद है आप इसका ये चैप्टर बिल्कुल अच्छे से समाप्त हो गया, और आपको हर एक चीज बारीकी से समझ में आया होगा। इनमें 2-3 इंपॉर्टेंट थ्योरम था, फंडामेंटल थ्योरम और अरिथमेटिक, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, और दूसरा जो थ्योरम हमने आज देखा कि यदि कोई संख्या a एक धनात्मक पूर्णांक है और p एक अभाज्य संख्या है, तो यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो a को भी पूर्णतः विभाजित करेगी। इस थ्योरम का यूज करके, इस प्रमेय का यूज करके हमने सिद्ध किया कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, 1/√5 एक अपरिमेय संख्या है, 3+√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों इस तरह से हमारा ये चैप्टर बिल्कुल समाप्त हो गया, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है आपको तो आप उसे कमेंट करें और मैं जरूर रिजॉल्व करूंगा।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग दूसरे चैप्टर के साथ। धन्यवाद।